हेलो माय लवली चिल्ड्रन, माय लवली हनी मनीज, हाउ आर यू ऑल? हैप्पी, हेल्दी? यस। चलो आज क्या करेंगे, आज हम आपकी मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक में यूनिट 3 उसमें लेसन पढ़ेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस। ओपन योर आईज, ओपन योर ईयर्स, लिसन केयरफुली एंड लुक केयरफुली। ओके, ध्यान से सुनना और समझना। तो चलो शुरू करते हैं। चलो बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड में यूनिट 3 उसमें अ स्माइल ये राइम हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो तो देखते हैं इसमें क्या है। अ स्माइल मेक्स एवरीवन हैप्पी, एंजॉय दिस पोएम। स्माइल से सब लोग क्या होते हैं, हैप्पी हो जाते हैं ना। अगर कोई हमारे सामने हंसता है तो हम भी उसके सामने हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो हम भी खुश होते हैं, सामने वाला भी खुश हो जाता है ना। तो स्माइल से क्या फीलिंग आती है, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। ओके, देखो ये गर्ल है ना, कैसे स्माइल कर रही है ना। ये कैट भी स्माइल कर रही है, ये बॉय भी स्माइल कर रहा है ना, टेडी भी स्माइल कर रहा है ना, और आप भी स्माइल कर रहे हो अभी, है ना। यस। चलो अब इसको रीड करेंगे। अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग। स्माइल कैसी है, एक फनी थिंग है, मज़ेदार चीज़ है ना। इट रिंकल्स अप योर फेस। रिंकल यानी हमारे, हम जब स्माइल करते हैं ना तो हमारे चेहरे पे क्या होती है, रिंकल्स होती है। रिंकल्स यानी ऐसे, जिसको गुजराती में बोलते हैं ना, करछली पड़वी, है ना, झुर्रियाँ पड़ती है ना हंसने से। यस, तो इसको क्या बोलते हैं, रिंकल। देखो कहाँ है रिंकल, ये रिंकल है ना, ये लड़की की यहाँ पे ऐसे। हम स्माइल कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके ये रिंकल बनाते हैं, है ना। यस, तो इट रिंकल्स अप योर फेस, वो हमारे फेस को क्या करती है, रिंकल अप करती है, झुर्रियाँ बनाती है जब हम स्माइल करते हैं तो। एंड व्हेन इट्स गॉन, मतलब जब स्माइल चली जाती है, जब हम स्माइल करना बंद करते हैं तो क्या होता है, यू विल नेवर फाइंड। तो फिर हमको पता नहीं चलता कि वो स्माइल कहाँ चली गई, है ना, झुर्रियाँ कहाँ चली गई। इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, वो अपनी सीक्रेट, एक सीक्रेट खुफिया हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह पे चली जाती है। बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू। पर उससे भी ऊपर अगर हम देखें तो वो बहुत ही एक वंडरफुल थिंग है कि स्माइल क्या कर सकती है, टू सी वॉट स्माइल कैन डू, है ना। उससे भी ऊपर जाके अगर हम सोचे तो स्माइल एक वंडरफुल थिंग है ना। वो क्या करती है, यू स्माइल एट वन, अगर आपने किसी के सामने स्माइल किया, ही स्माइल्स एट यू, वो भी आपके सामने स्माइल करेगा। एंड सो वन स्माइल मेक्स टू, और उससे क्या होता है, एक स्माइल की दो स्माइल हो जाती है। हमने स्माइल किया और सामने वाले ने भी हमारे सामने स्माइल किया, तो अगर हम स्माइल करते हैं एक तो सामने वाला भी स्माइल करता है, तो स्माइल कितनी हो जाती है, दो, है ना। तो ये वंडरफुल थिंग है ना। यस, तो स्माइल से क्या होता है, स्माइल से हैप्पीनेस फील होती है। हम किसी के सामने स्माइल करते हैं तो वो भी हमारे सामने स्माइल करता है, और एक स्माइल में से दो स्माइल बन जाती है। और जब हम स्माइल करना बंद करते हैं, स्माइल कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो स्माइल अपनी हिडन प्लेस पे चली जाती है, हमारे चेहरे पे से झुर्रियाँ चली जाती है ना। वो हमारे फेस को कैसा करता है, रिंकल अप। यस, तो मज़ेदार है ना ये पोएम। चलो अभी न्यू वर्ड्स, कौन से न्यू वर्ड्स है, रिंकल्स। रिंकल्स यानी हमारे चेहरे पे जो हंसने से झुर्रियाँ पड़ती है ना, वो रिंकल्स। सीक्रेट यानी खुफिया जगह, है ना, खुफिया। कोई भी किसी को, हम सबको नहीं बताते हैं, किसी को ही बताते हैं, तो वो क्या होती है, सीक्रेट, कोई खुफिया बात, खुफिया प्लेस, है ना। सीक्रेट प्लेस यानी खुफिया जगह। आप अपनी कभी कभी, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें खुफिया जगह पे, सीक्रेट प्लेस पे छुपाते हो ना, फिर आपकी सीक्रेट बातें भी होती है, फ्रेंड्स, सब फ्रेंड्स को नहीं बताते हो, कोई आपका जो खास फ्रेंड होता है उसको ही बताते हो। तो सीक्रेट यानी खुफिया, हाइडिंग प्लेस यानी छुपने की जगह, हाइडिंग प्लेस यानी छुपने की जगह, है ना। चलो अभी आगे, माय ग्रैंड, देखो लेट्स रीड, चलो रीड करें, अभी रीडिंग करो हाँ मेरे साथ आप। माय ग्रैंड मदर हैज़ मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस। क्या लिखा है यहाँ पे, माय ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी, हैज़ मेरी दादी को है, मैंने हैज़ समझाया था ना आपको। माय ग्रैंड मदर हैज़ मेरी दादी को है, क्या है,
मैनी रिंकल्स, बहुत सारी झुर्रियाँ। ऑन हर फेस, उसके फेस पे, उनके फेस पे क्या है, झुर्रियाँ दिखती है ना आपको, यहाँ पे सब है ना, बूढ़े लोग होते हैं उनके मुंह पे झुर्रियाँ होती है ना। यस, चलो रीड अगेन। माय ग्रैंड मदर हैज मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस। देखो हम रिंकल को कैसे रीड करेंगे, रिंकल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिंकल, बिकॉज डब्ल्यू इज साइलेंट लेटर। ओके चलो, शैल आई टेल यू अ सीक्रेट। देखो ये लड़की क्या बोलती है अपनी फ्रेंड को, ये गर्ल ये अपनी फ्रेंड को बोलती है, शैल आई टेल यू अ सीक्रेट, मैं तुझे अपना एक सीक्रेट बताऊं, है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना अपने फ्रेंड को। यस, चलो अभी क्या है, रीडिंग इज फन। रीडिंग क्या है, एक फन है, मज़ेदार चीज़ है। वाई इज अ स्माइल फनी थिंग, स्माइल फनी थिंग क्यों है, बिकॉज इट मेक्स अवर फेस रिंकल अप, है ना, वो हमारे फेस को क्या करती है, रिंकल अप करती है। स्माइल रिंकल्स अप अवर फेस, सो इट इज़ फनी, है ना। यस, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन, व्हेन वी स्माइल एट समवन, ही और शी स्माइल अस टू, वो भी हमारे सामने हंसता है ना। यस, ही स्माइल्स एट अस, है ना, वो भी हमारे सामने हंसता है, तो वन स्माइल मेक टू, एक स्माइल दो स्माइल बन जाती है। अभी क्या है, देखो, लेट्स लिसन टू अ जोक, ये एक जोक है, उसको सुनते हैं, ठीक है। आई आस्क्ड माय मदर फॉर 20 रुपीस, मैंने अपनी मम्मी से 20 रुपीस मांगे, फिर क्या हुआ, टू सी द लायन जंप द ट्री, और मैं लायन को देखने चला गया जो ट्री के ऊपर से जंप करता है। He jumped so high, लायन ने इतना जोर से जंप किया, he touched the moon, और उसने मून को टच कर लिया, and never came back till the end of June, और end of June ख़त्म आया तब तक वो never came back, वापस ही नहीं आया, है ना, ऐसे फनी जोक जैसा है। आप भी ऐसा जोक बना के बोल बता सकते हो किसी को, तो आपको जो भी जोक आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलो अभी और क्या लिखा है, कैन यू टेल मी अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ, आप कैन यू टेल अ जोक, आप जोक बोल सकते हो एंड मेक एवरीवन लाफ, किसी को और सबको हंसा सकते हो। से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज, सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज में यानी गुजराती हिंदी में बोलो और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलो, है ना। यस, इससे क्या होगा, आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, से अलाउड, से यानी कहो, अलाउड यानी जोर से, आपको जोर से ये बोलना है। क्या लिखा है, ये ट्रंक, ट्रंक, से विद मी ट्रंक, ट्रंक यानी हाथी की सूंड। संक क्या है, ये संक, फिर बोलो जंक, ट्रंक संक जंक, इन सब के सम कैसे है, सेम, है ना। सिंक, थिंक, पिंक, है ना, इसमें ई साउंड है, सिंक, सिंक यानी डूबना, थिंक यानी सोचना, पिंक यानी, पिंक यानी पिंक कलर। रिंकल कैसे पढ़ेंगे, रिंकल, रिगल। राइट, इसमें हमने डब्ल्यू को पढ़ा नहीं, ये क्या है, साइलेंट लेटर है। ओके चलो, फिर ये क्या लिखा है, वरी, वर्क, वंडरफुल, है ना, यहाँ पे हमने जो W है उसको प्रोनाउंस किया, है ना, वरी, वर्क, वंडरफुल, ठीक है ना, तो आपको भी ऐसे रीड करना है। व्हेन वी रीड W इन कॉलम 3, इट हैज़ नो साउंड, है ना, कॉलम 3 में जब हमने ये पढ़ा रिंकल, रिगल एंड राइट, तो इसमें हमने W का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, है ना, तो इट हैज़ नो साउंड। लुक एट द वर्ड टॉक हियर, L इज साइलेंट, जब हम टॉक, PAL के टॉक इसको रीड करेंगे ना, तो जो L है ना वो साइलेंट लेटर है, तो L का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे, है ना, टॉक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, टॉक। ओके सो L इज साइलेंट लेटर। नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, देखो यहाँ पे भी हम L नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वॉक, मोर, तो उसमें साइलेंट लेटर कौन सा है, E, मोरे, ऐसे बोलते हैं नहीं, मोर। रैप, क्या है ये, रैप, तो यहाँ पे कौन सा है साइलेंट लेटर, W, ठीक है। जोक, तो जोक में भी क्या है, ई जो है वो साइलेंट है ना।
जोके बोलते हैं, नहीं बोलते, जोक, ठीक है ना। तो वॉक के अंदर एल साइलेंट है, मोर के अंदर ई साइलेंट है, रैट के अंदर डब्ल्यू साइलेंट है, जोक के अंदर ई साइलेंट है। ओके, ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट राइम्स विथ माई, माई के साथ राइम करता है। कैन यू फील इन द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड। देखो यहाँ पे हमको आई मतलब माई, माई की माई, तो वाई का साउंड क्या होता है, आई, है ना। तो यहाँ पे हमको लिखना है, ये क्या है, स्माइल, माई स्माइल, काइट, माइस, लाइन, यहाँ पे आई साउंड क्या है इसका, आई, है ना। स्माइल, काइट, माइस, लाइन, ऐसे आपको करना है। चलो अभी आगे देखते हैं हम, रिडल टाइम, विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है वर्ल्ड के अंदर, तो कौन सा है, स्माइल। देखो एस एम आई एल ई, ये सबसे लंबा वर्ड है, क्यों है, क्योंकि एस एन स्माइल्स, स्माइल्स है ना, वो सबसे लंबा वर्ड है। ये एस एंड ये एस दोनों के बीच में कितना अंतर है, माइल का अंतर है, 1 माइल का, ठीक है ना। इट्स अ फनी थिंग, है ना, ये जोक जैसा है। चलो फिर आगे देखते हैं, लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। अभी क्या लिखना है, तो हम पहले पढ़ेंगे इसको। देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ गेम खेलो। क्लोज योर आईज, पहले अपनी आईज क्लोज करो। मूव योर फिंगर ओवर द पेज व्हाइल यू सिंग, अपनी फिंगर को ऐसे मूव करना है पेज के ऊपर, ठीक है। और ये जो राइम है ना, ये गानी है, टिक टैक टो राउंड आई गो, इफ आई विल मिस आई विल टेक दिस, ऐसे आपको गाना है। और ये जो दिखता है ना यहाँ पे, आपको फिंगर घुमानी है ऐसे, ऐसे फिंगर घुमाते रहोगे और गाते रहोगे। फिर जहाँ पे पोएम ख़त्म हुई आपकी लाइन, तो आप यहाँ पे ऐसे स्टॉप हो जाओगे, ठीक है ना। फिर क्या करना है, When you finish reciting the poem, जब ये poem है ना आपकी ये वाली, टिक टैक टो राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस, ये गाना आपका ख़त्म हो, उसके बाद स्टॉप मूविंग योर फिंगर, अपनी फिंगर घुमाना वहाँ पे आपको स्टॉप करना है। ओपन योर आइज, फिर आपको अपनी आँखें खोलनी है। सी विच लेटर यू स्टॉप एट, आप कौन से लेटर पे स्टॉप हो गए। यूज़ द क्लूज टू राइट द वर्ड, और फिर ये क्लू लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका यूज़ करके आपको वर्ड लिखना है, बिगिनिंग विद द लेटर दैट यू फाइंड, जो आपको लेटर मिलता है, जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, तो उसके हिसाब से आपको, जैसे कि सी है, चलो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। चलो जैसे कि आपने गाना गाया, ओके, और फिंगर घुमाई, क्या बोलना है, टिक टैक टो राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस, ठीक है ना। और ऐसे फिंगर घुमाते घुमाते टिक टैक टो ऐसे घुमाया आपने, और आप यहाँ पे आ गए, पोएम फिनिश हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डी, है ना। तो डी में क्या है, देखो दिखाती हूँ मैं, ठीक है, आपको बड़ा करके थोड़ा सा। अ पैट यू लव, अ पैट जिसको आप बहुत प्यार करते हो, तो ड से कौन सा पैट होता है, डॉग, है ना। तो आपको डॉग लिखना है अपने नोटबुक में। फिर ऐसे ही आप बस फिंगर घुमाते गए, और आपकी फिंगर स्टॉप कहाँ पे हुई, जैसे कि यहाँ पे आपकी फिंगर आई, तो कौन सा अल्फ़ाबेट है, ए, ऐसे साउंड, ऐसे शुरू कौन सा वर्ड होगा, समथिंग यू ईट, ऐसी कोई चीज़ जो आप खाते हो, तो क्या आएगा, एप्पल होगा ना, यस। उसी तरह से जैसे कि घुमाते घुमाते आपकी फिंगर आ गई बी पे, तो बी में क्या लिखा है, समथिंग दैट फ्लाइज, क्या फ्लाई करता है, बीज, है ना, बीज फ्लाई करती है ना, तो आप लिख सकते हो। फिर जैसे कि सी पे आ गई आपकी फिंगर, आपने पोएम गाई आंखें बंद करके, फिर पोएम ख़त्म हुई, तो आपकी फिंगर सी पे आई, आप स्टॉप किया, तो ओपन किया आईज आपने और देखा कि यहाँ पे सी है, तो सी से क्या आएगा, इट म्यूज, कौन करता है म्यूज, कैट, तो आपको कैट लिखना है। ऐसे आपको ये गेम खेलनी है, जैसे कि ई, तो अ बिग एनिमल, तो क्या आएगा,
एलिफेंट है ना, क्या आएगा एलिफेंट। ठीक है, फिर जैसे कि यहाँ पे एफ अ पार्ट ऑफ बॉडी, तो क्या आएगा एफ से शुरू होकर क्या आता है फिंगर्स है ना, तो आपको यहाँ पे फिंगर्स का स्पेलिंग लिखना है। फिर यहाँ पे क्या है जी, जी से क्या आएगा कोई पर्सन का नेम, तो क्या आएगा गर्ल, गर्ल हो सकती है ना पर्सन, ऐसे अंदर भी है। देखो यहाँ पे भी लिखा है टी, जैसे कि यहाँ पे फिंगर अप किया गया टी, तो हॉट ड्रिंक तो क्या आएगी टी ई ए टी, ठीक है ना। जैसे कि यू पे फिंगर आ गए, इट कप्स इट कीप्स यू ड्राई इन रेन, तो क्या आएगी यू से अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्लू दिया है, एक क्लू को यूज़ करके आपको यू से शुरू होने वाला वर्ड ढूंढना है। जैसे कि आपकी फिंगर स्टॉप हुई वी पे, इट मूव्स ऑन व्हील, व्हील के ऊपर ये मूव होता है, तो क्या आएगा वैन, है ना, वैन होती है ना मूव व्हील के ऊपर। जैसे कि डब्ल्यू पे फिंगर आ गई आपकी, समथिंग यू ड्रिंक, तो क्या आएगा वाटर, वाटर ड्रिंक करते हैं ना हम, यस। एक्स अ ट्री विथ लाइट्स एंड स्टार्स, तो क्या आएगा क्रिसमस ट्री, ठीक है ना, यस। फिर जैसे कि ये वाई पे फिंगर आ गई अ कलर, तो कौन सा कलर आएगा येलो, तो ऐसे ये सारे वर्ड्स आपको लिख देने तो आपको पता चलेगा। जेड, तो जेड से शुरू होने वाली कोई प्लेस कौन सी है, जू, है ना। फिर एन, एन से क्या है अ बर्ड्स होम, बर्ड्स का होम, जिसको एन से शुरू करके क्या बोल सकते हैं हम, नेस्ट, है ना। ओ से शुरू होने वाला कोई फ्रूट, तो ऑरेंज होता है ना ऐसे, यस। पी, यू राइट विथ दिस, तो किससे लिखते हो आप, पेन, है ना। तो ऐसे कोई सभी क्लू से कोई ना कोई वर्ड बनता है। यू हैव टू मेक दिस वर्ड एंड राइट डाउन योर नोट इन योर नोटबुक, ओके। अपनी नोटबुक में आपको फिर वो लिखना है। मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबली सारे बता दिए, जैसे कि एच, एच से शुरू होने वाला अ प्लेस वेयर यू लिव, तो क्या आएगा हाउस, है ना, यस। तो इस तरह से आपको ये सब बनाने हैं, ओके। गेम खेलनी है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेलना। फॉर्म अ क्ले क्लब इन ग्रुप, आपको एक क्या करनी है, क्ले क्लब बनानी है। गिव योर क्लब अ नेम, आपके क्लब को आपको कुछ नेम देना है। आप जैसे पांच फ्रेंड्स इकट्ठा हुए, आपने क्लब बनाई, ठीक है, और उसका नेम क्या दिया आपने, क्ले क्लब का। आपको कुछ भी नाम देना है, आप जो देना सकते देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। टेक अ वेट स्लैब ऑफ क्ले, फिर क्ले होती है ना मिट्टी, गीली मिट्टी, या फिर आप खेलते हो जो डो क्ले, वो कलरफुल वो भी चलेगी, उसका एक स्लैब लेना है आपको, ठीक है। स्लैब यानी ऐसे एक रेक्टेंगल सा जैसे कि टुकड़ा आपको लेना है, ठीक है, पीस लेना है। और यहाँ पे आपको अपनी क्लब का नेम लिखना है। आपने अपनी क्लब का नेम रखा है, जैसे कि क्या रखोगे आप, क्ले, क्ले है ना, क्ले रखा आपने, क्ले क्लब, तो ऐसे आपको उसका नेम लिखना है उसके ऊपर। यूज़ अ मैच स्टिक टू राइट द नेम ऑन योर क्लब एंड ऑल द क्लब मेंबर्स ऑन इट, आपको क्या करना है, ऐसे जो स्लैब बनाया ना आपने, स्लैब लिया ना क्ले का वेट, उस पर आपको यहाँ पे आपके क्लब का जो नेम है वो लिखना है। फिर वो क्लब में कौन कौन है उनके सारे नेम भी इधर लिखने हैं। फिर उसको सूखने देना है, फिर आप देखना वो बहुत अच्छी दिखेगी। लेट द स्लैब्स ड्राई, वो स्लैब को क्या करो, ड्राई होने दो। डिस्प्ले योर स्लैब्स इन द क्लासरूम, फिर आपको जो स्लैब है ना उसको क्लासरूम में दिखाना है। ट्राई मेकिंग डिफरेंट थिंग्स विथ क्ले, हम क्ले के खिलौने बनाते थे ना स्कूल में, तो आपको भी ऐसे ही करना है। क्ले लेनी है, उसमें से डिफरेंट थिंग्स बनानी है, बर्ड्स बना सकते हो, फ्लावर्स बना सकते हो, है ना, कोई थिंग्स बना सकते हो। ट्राई मेकिंग डिफरेंट थिंग्स विथ क्ले लाइक बर्ड्स, सन, फ्लावर एट्सेट्रा। टेक अ क्ले बॉल, आपको एक क्ले बॉल लेना है। यूज़ अ रोलिंग पिन, रोलिंग पिन यानी बेलन, है ना, बेलन होता है ना, देखो ये लड़की कर रही है ना यहाँ पे, ऐसे आपको क्या करना है, पैनकेक बनानी है, जैसे कि रोटी बनाते हैं ना हम, ऐसे राउंड बनाना है। विद द हेल्प ऑफ द मैच स्टिक ड्रॉ अ सर्कल और यूज अ बाउल टू कट अ सर्कल आउट ऑफ द रोल्ड क्ले,
ये जो रोल किया ना उसमें से फिर आपको ऐसे कटोरी या ऐसे कुछ रख के या फिर मैस्टिक से ऐसे पूरा गोल कट कर देना है। फिर उसके ऊपर आपको ऐसे स्माइली या सैड है ना ऐसे फेसेस बनाने हैं, ठीक है। चलो फिर क्या है, यूज़ द एक्स्ट्रा क्ले टू मेक आईज़ नोज। फिर आप उसको है ना ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना के ऐसे आईज़ नोज ऐसे भी बना सकते हो। ये देखो यहाँ पे हेयर बनाए हैं ना छोटे छोटे बॉल्स को ज्वाइन करके, और आप क्या बना सकते हो, आप यहाँ पे जैसे कि इसका गला है, नेक हो तो आप नेकलेस भी बना सकते हो, बना सकते हो ना ऐसे, यस। फिर और क्या बना सकते हैं हम, उसको इयररिंग्स पहना सकते हैं, पहना सकते हैं ना, यस। उसका नोज़ बना सकते हैं, ऑल ट्राई मेकिंग, ऑल्सो ट्राई मेकिंग हेयर, उसका हेयर बनाने का भी ट्राई करो। तो आप ऐसे फेस बनाओ, उसको डेकोरेट करो, उसके हेयर बनाओ, उसको ऑर्नामेंट्स पहनाओ, ठीक है, तो आपको बहुत मजा आएगी। व्हाट एल्स कैन यू डू टू मेक द फेस कलरफुल, आपको फेस को और मस्त बनाना है तो आप कैसे कैसे कर सकते हो, तो आप अलग अलग फेसेस बनाओ और देखो, ठीक है ना। उससे आपको भी पता चलेगा, आप में भी बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है। तो बच्चे बहुत अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे फेसेस बनाते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं, थिंग्स बनाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे है ना एक पोएम है, वो आपको मैं समझाती हूँ। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, इफ़ यू आर हैप्पी, अगर आप हैप्पी हो और आप जानते हो तो, सिंग विथ एक्शंस, रिमेंबर टू कीप स्माइलिंग, ओके, आपको एक्शन के साथ करनी है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स, अगर आप हैप्पी हो एंड जानते हो तो अपने हैंड्स को क्लैप करो, तो ताली बजाओ। आप हैप्पी हो, आप खुश हो और आप जानते हो तो ताली बजाओ। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली वॉन्ट टू शो इट, आप हैप्पी हो है ना और आप खुश हो और आप जानते हो और सही में आप किस बताना चाहते हो कि आप हैप्पी हो, तो आपको क्या करना है, क्लैप योर हैंड्स, अपने हाथ से ताली बजाओ। इसी लाइन को रिपीट करके आगे भी आती है पोएम। If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it and you really want to show it, okay, clap your hands. जैसे एक बार आपको clap करने हैं hands, एक बार आपको stamp feet. If you are happy and you know it, stamp your feet. अगर आप happy हो तो आपको क्या करना है, अपने feet से stamp करना है, मतलब हमारे ऐसे पैरों को ऐसे ठक ठक आवाज़ करते हैं ना, उसको स्टैम्पिंग बोलते हैं, ठीक है ना। आप जूनियर सीनियर में थे तो आपको करवाते थे। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, से हा हा हा, अगर आप खुश हो और आप जानते हो तो हा हा हा, चलो बोलो हा हा हा, ओके। यू इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, डू ऑल फोर, चारों चीज़ें करो। अगर आप हैप्पी हो, आप जानते हो तो आपको क्या करना है, आपको स्टैम्प योर फीट करना है, आपको क्लैप योर हैंड करना है, आपको हा 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 करना है और नोड योर हेड, अपना हेड ऐसे हिलाना है, क्लैप क्लैप, नोड नोड, स्टैम्प स्टैम्प, हा हा, ये सब आपको करना है अगर आप हैप्पी हो तो। आप जब स्कूल खुलेगी ना तो ये राइम कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है ना, एक्शन के साथ। अभी आप इसको लर्न कर दो, गाना सीख लो, ठीक है। कैसे गाओगे, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, clap your hands. ऐसे आपको आगे की सारी पोएम गानी है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे है लेट्स प्रैक्टिस, आपको लिखना सीखना है कर्सिव में, वो अभी मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। हमारी पूरी यदि सीरीज फर्स्ट एंड सेकेंड ख़त्म हो जाएगी ना तो आपको कर्सिव राइटिंग भी लिखना आ जाएगा, मैं आपको सिखा दूँगी। पर यहाँ पे कैसे लिखोगे, ऐसे WON, won, SUN, sun। इसमें है ना पेंसिल उठानी नहीं होती है, ठीक है, बिना पेंसिल उठाए आपको लिखना है। MAN, man, ठीक है, तो आपको इस तरह से ये लिखना है। चलो डे, डे कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, DAY, डे। FAN, फैन।
एच ओ टी हॉट, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। चलो वन वन कैसे लिखेंगे, ओ एन ई वन। टू कैसे लिखेंगे, वन मीठा, टी डब्ल्यू ओ टू। एफ ए आर फार यानी दूर, ठीक है ना। चलो तो आपको ये पेज में कर्सिव राइटिंग में जो भी लिखा है ना उस पर ट्रेसिंग करके, पेंसिल से ट्रेस करके लिखना है, ठीक है ना। चलो तो आप ये अपना काम करो, यहाँ पे आपका ये लेसन फिनिश होता है। ये पोएम को अच्छी तरह से गाना सीख लेना, ठीक है, एक्शन के साथ करना, ओके। चलो फिर ये सब मैंने आपको समझाया, क्ले वाली एक्टिविटी करना, क्ले में से अलग अलग मॉडल्स बनाना, थिंग्स बनाना और उसके पिक्स मुझे भेजना। इट्स योर हो एक्टिविटी विच यू हैव टू डू एट योर होम, जो आपको घर पे करनी है, ठीक है ना। ये कंपल्सरी सब बच्चे करेंगे और मुझे पिक्स भेजेंगे, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर पिक्स। चलो तो आप अपना काम करो। ये गेम भी बहुत बढ़िया है, ये भी खेलना। इसके जो सारे वर्ड्स हैं ना क्लू में से जो भी वर्ड्स बनते हैं वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ओके। चलो फिर और खेलना गेम तो बहुत मजा आएगी आपको। ये क्या है, ये भी मैंने आपको सिखाया, ठीक है, रीड करना आप। और ये पोएम को आपको है ना 3 times रीड करनी है। कितनी टाइम, 3 times ये पोएम आप स्माइल वाली जो है वो 3 times रीड करोगे, ओके। तो चलो यू डू योर वर्क, आई विल मेक न्यू वीडियोज़ फॉर यू। टिल देन बाय बाय।